देखकर मुंह में आ गया ना पानी। गुलाब जामुन है ही ऐसा, किसे नहीं पसंद होगा। ये खाने में जितना सॉफ्ट है उतना ही टेस्टी, देखने में ही ये इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपने गुलाब जामुन तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी गुलाब जामुन आप खाकर सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खोया और पनीर का गुलाब जामुन। तो उसे बनाने के लिए हमने ये खोया लिया है 250 ग्राम, ये हमारा घर का खोया है, और ये हमने पनीर लिया है 100 ग्राम, और ये हमने मैदा ले लिया है 3 से 4 स्पून, और ये हमने इलायची पाउडर लिया है 3 से 4 इलायची को हमने कूट लिया है उसका बीज को, और इसे हमने पीस कर ले लिया है, और ये हमने लिया है 2 बाउल चीनी। तो अब चलते हैं, पहले हम इसका सिरप बना लेते हैं यानी चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें हम डाल लेंगे चीनी, ये हमने 1 बाउल लिया है, और ये हमने 2 बाउल ले लिया। जिस बाउल से हमने चीनी लिया है उसी से हम 3 बाउल डाल लेंगे पानी, ये हमने 3 बाउल पानी डाल लिया है। पतीले को हमने गैस पे चढ़ा लिया है, अब इसे हम चलाते हुए इसका चाशनी बना लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार का चाशनी हमें नहीं बनाना है, इसे बस चिपचिपा होने तक बनाना है। तो इसे हम पहले चीनी को पिघलने देते हैं, चलाते हुए हम इसे पिघला लेते हैं। ये देखिए हमारा चीनी जो है पिघल गया है, अब इसे थोड़ा सा चिपचिपा होने तक हम चाशनी को बना लेंगे। तो ये चीनी पिघल गया है तो इसमें हम डाल लेंगे इलायची पाउडर जो हमने कूट कर रखा था, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। चाशनी को पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट लगभग हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं। इसे बस हल्का सा जैसे चिपचिपा सा लगे, जैसे वायल लगता है उस तरह से हो जाएगा तो ये हमारा चाशनी तैयार हो जाएगा। चीनी जो था हमारा गंदा नहीं था, इसलिए देखिए चाशनी कितना क्लीन आया है। नहीं तो अगर गंदा आपका होता है तो उसमें थोड़ा सा मिल्क डालकर उसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये हमारा चाशनी तैयार हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं। चाशनी तो हमारा रेडी हो गया है, तो अब जो ये हमने पनीर लिया है वो थोड़ा थोड़ा पानी है छोड़ा हुआ, तो इसे हम टिश्यू पेपर से इस तरह से इसे एक्स्ट्रा जो पानी होगा इसे हम रिमूव कर लेंगे। पनीर का जो एक्स्ट्रा पानी था हमने उसे निकाल लिया है, अब इसे हम मैश कर लेते हैं और इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से मैश करके और इसका जितना भी है गिटली जैसा उसे हम इसे अच्छा से मिक्स कर लें। अच्छे से इसे हमें मैश करना है ताकि इसमें गिटली ना रहे। पनीर को हम अच्छे से मैश कर लिए हैं, अब हम ले लेते हैं खोया। खोया और पनीर को एक साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे एक जैसा मिक्स करके इसका जितना भी गुठली होगा खोए में वो भी हमें चूर कर एक में मिक्स कर लेना है। इसी तरह से अच्छे से हथेली से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सारा जो गिटली था सारा हमने फोड़ लिया है। अब हम ले लेंगे जो ये हमने 3 से 4 स्पून लिया है मैदा, ये हम ले लेंगे। ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 स्पून लीजिएगा मैदा। अगर ज़्यादा डालिएगा तो ये जो गुलाब जामुन आपका बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा। इसमें हम डाल लेंगे
दो से तीन पिंच बेकिंग सोडा, इसे ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो फिर ये गुलाब जामुन फटने लगेगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मैदे में और इसमें हम अच्छे से इसे सान लेते हैं। इसे भी अच्छे से इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें सारे मैदे को ये खोया और पनीर में हमें मिक्स करना है। ये बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन हमारा बनकर रेडी होगा। अब इसे अच्छे से हम मैदे में मिक्स कर लेते हैं। एक सॉफ्ट सा डो हम लगाकर रेडी कर लेते हैं ये मैदे और पनीर और खोया का। ये हमने सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। एक छोटा सा लोई लेकर देखेंगे, ये चिकना सा बन रहा है तो ये हमारा डो परफेक्ट हो गया है। ये देखिए कहीं से भी क्रैक्स नहीं है। तो इसे हम जो साइज में आपको गुलाब जामुन बनाना है उस साइज में इसका पोर्शन आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये जब तेल में फ्राई होगा तो भी इसका साइज बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना साइज में आपको बनाना है। मैं इस साइज का बना रही हूँ। ये देखिए क्रैक्स नहीं है इसमें। ये आपको ध्यान देना है, अच्छे से इसे एक शेप दे देना है गोलाई में। देखिए इसी तरह से हम सभी को बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है और खाने में तो गुलाब जामुन सबको बहुत पसंद होता है, वो इंडियंस हो या फिर बाहर के, सभी को गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं। तो इसी तरह से सभी को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए एक भी क्रैक नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो हम बना लेते हैं पहले। ये हमने गुलाब जामुन के सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। हमने पहले ही ऑयल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। ये ऑयल हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम छोटा सा बॉल डालकर देखते हैं। ये हल्का सा बबल उठ रहा है, इसी तरह से हमें ऑयल को रखना है। अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो गैस का फ्लेम आप बंद कर दें, फिर थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लें, उसके बाद फिर से आप स्लो फ्लेम पे इस बॉल्स को डाल लें। इसमें गैस का फ्लेम हमें मीडियम चाहे हाई नहीं रखना है, स्लो शुरू में रखना है। तो इसे हम जितना बॉल इसमें आता है इसमें हम डाल लेते हैं। एक बार में ज़्यादा भी ना डालें ताकि आपको पलटने में ना बने। और इसे इस तरह से तेल इसके ऊपर डालना है, नहीं तो फिर ये एक तरफ रहेगा तो नीचे चिपक जाएगा। और इसे इस तरह से हल्का सा पलट लेना है और इसे हल्का सा गोल्डन होने तक एक तरफ पहले पका लेते हैं फिर पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे डार्क होने तक गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फूल का कितना बड़ा हो गया है। और इसे हम इसी तरह से डार्क करेंगे। अब गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन हो जाने के बाद, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। तो इसे हम डार्क होने तक पका लेते हैं। देखिए गुलाब जामुन का कितना अच्छा कलर आ गया है। आप इसे और डार्क रखना चाहते हैं तो और डार्क भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया। ये बना भी है बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इसे हम अब निकाल लेते हैं पैन से बाहर, नहीं तो ये फिर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मुझे इतना ही बहुत पसंद है तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर रेडी हो गया, कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे हम निकाल कर चाशनी में डाल लेते हैं। और चाशनी हमारा गुनगुना होना चाहिए ताकि ये रस अच्छे से टान सके। तो इसे हम डालकर और इसे हम ढक देते हैं। और इसी तरह से और भी गुलाब जामुन हम इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर रेडी होगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, और कैसा लगा आपको हमारा रेसिपी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो इसी तरह से सभी गुलाब जामुन को डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारे गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं। इसे हम उसी तरह से निकालकर चाशनी में डाल लेते हैं। हमारे एक भी गुलाब जामुन फटे नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसे हम इसी तरह से चाशनी में डुबो कर और इसे आधा से एक घंटा तक हम छोड़ देंगे। ऐसे तो ये अभी ही देखिए, अभी फ्राई करते करते ये हमारा कितना सॉफ्ट है, ये देखिए देखकर ही पता चल रहा है। तो इसे हम एक घंटा के लिए इसी तरह से चाशनी में डुबो कर छोड़ देते हैं ताकि ये चाशनी अच्छे से सोख कर सके। गुलाब जामुन को सोख किए हुए हमें एक घंटा लगभग हो गया है। तो इसे हम देख लेते हैं, ये कितना अच्छा सा फूल कर देखिए, बड़ा सा हो गया है और ये सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बनकर हमारा गुलाब जामुन रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से रस इसमें चला गया है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन कितना ही टेस्टी लग रहा है और ये कलर भी देखिए कितना अच्छा सा है, परफेक्ट कलर और परफेक्ट गुलाब जामुन हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से और कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गया है। इसे हम काट कर दिखाते हैं। ये देखिए पहले कितना सॉफ्ट है, इसे हम दबा रहे हैं तो फिर से उसी शेप में ये आ जा रहा है। इसे एकदम सॉफ्ट बना है और स्पंजी भी बना है। तो इसे हम काट कर दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट, अंदर से कितना ही जूसी बनकर रेडी हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर रेडी हो गया है हमारा गुलाब जामुन। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए और अंदर से कितना जालीदार लग रहा है। ये एक ऐसा मिठाई है कोई भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं, और रक्षाबंधन हो या फिर दिवाली हो, होली हो, आप किसी भी त्यौहार पे आप इसे बनाइए और सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।